क्या आप वेल एजुकेटेड हैं और वेल स्किल्ड भी हैं, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही है? तो gowork.work आपकी हेल्प करेगा आपको जॉब ढूंढने में। सो गाइज, आप विजिट कर सकते हैं gowork.work पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जॉब, यहाँ पे आपको ज्वाइन अस पे क्लिक कर लेना है और इसके लिए आपको साइन अप करना होगा। जैसे ही आप इस पे साइन अप के क्लिक करते हैं और इसके लिए आप रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी जो रिक्वायर्ड है वो फिलअप करनी होगी। उसके बाद में गाइज ये आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना के देते हैं और उस रिज्यूमे को टॉप कंपनीज में अप्लाई करते हैं और आपकी प्रोफाइल पे जो भी इंटरव्यू कॉल आते हैं उनको अपडेट कर दिया जाता है। सो गाइज, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अपने इंटरव्यू से पहले कोई भी पे नहीं करना होता है। तो गाइज, आप इसे विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, gowork.work। तो आज ही विजिट कीजिए और अपने जॉब को पक्का कीजिए। हे गाइज, वेलकम ऑन माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइज, ये मैं आपको एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा, उसमें से 19 नंबर प्रैक्टिस सेट पे मैं पहुंच चुका हूं और ये मैं पहले से बहुत टाइम से चला रहा हूँ। तो इसको आप विजिट कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लीजिए, वहाँ पे सारे सेट एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। गाइज, इसमें आपको एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इसमें मैं टोटल 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न के बेस्ड होंगे, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए ये एडवांस है। ओके गाइज, सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। आज का हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए कि आप इसे 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाएं। तो आई होप गाइज आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द फॉलोइंग वर्ड फाइंड द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन बिलो। आपको एक शब्द दिया गया है यहाँ पे, इसका आपको सिमिलर यानी कि सिनोनियम बताना है। देखिए, क्लैंडेस्टाइन आपके पास में जो है वर्ड है, और देखिए गाइज ये प्रैक्टिस सेट है, तो साथ में आप क्या कीजिएगा कि एक नोटबुक रखिएगा और उसको प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा साथ साथ में, ताकि आपको क्या हो कि इसका पूरा अनुमान रहे कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, और लास्ट में मुझे कमेंट करके भी बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, सो कैंडेस्टाइन आपके पास में वर्ड है। सो गाइज, इसके लिए आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम की जरूरत है। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। कैंडेस्टाइन का मतलब गाइज होता है, आप कह सकते हैं कि गुप्त, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि आप किसी के सामने कोई अपनी भावना है उसको प्रकट नहीं करते, तो आप अप्रकट भी इसे बोल सकते हैं। आपको इसका सिमिलर चाहिए, देखिए फर्स्ट आपके पास में है इमिग्रेंट, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है इमिग्रेंट, तो ए ऑप्शन है, इसका मैं मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए, इसको बोला जाता है उत्प्रवास, ठीक है ना, या आप इसे बोल सकते हैं कि विदेश गमन। देखिए गाइज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने देश को छोड़ करके विदेश में सेटल हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है इमिग्रेंट। और इसी के जैसा देखिए ये वर्ड है आपके पास में इमिग्रेंट, इसमें आई एम है, उसमें ई एम है, तो इसको बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे देश से अपने देश में सेटल होते हैं, तो दूसरे देश से अपने देश, जैसे भी भारत है अपना देश, तो उसमें जब आते हैं लोग तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है। या तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये तो क्या था, उत्प्रवासी, ठीक है ना, यानी कि विदेश जाने वाला, और या आप इसे बोल सकते हैं अप्रवासी। देखिए, इसको तो उत्प्रवासी बोल दिया, इसको आप बोले कि अप्रवासी, यानी कि अपने देश के प्रवासी नहीं है, ये दूसरे देश से आए हैं, ठीक है, तो इसको अप्रवासी बोला जाता है। या आप इसे देशांतर भी बोल सकते हैं, यानी कि दूसरे देश से अपने दोस्त में स्थानांतरित हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, ठीक है, तो ये इसका सिनोनियम था, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ओवर्ट आपके पास में वर्ड है, इसका मतलब भी आपके पास में होता है खुला, या आप इसे बोल सकते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है ना, प्रत्यक्ष। तो ये गाइज इसका मीनिंग था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन सभी मीनिंग्स को आप नोटबुक में लिखिएगा। देखिए, चार वर्ड मैंने बताए, चारों के मीनिंग बताया, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे आगे पूछ ले जाए इन्हीं से रिलेटेड, तो आप उनको भी आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन करवाया है, लेकिन चार क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है अपोजिट वर्ड, आपको बताना है, मतलब इसका एंटोनियम बताना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और वर्ड आपके पास में है टेरिडी, ठीक है, तो इसका आपको बताना है एंटोनियम। सो गाइज, सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए, टेरिडी का मतलब होता है मंद, या आप इसे बोल सकते हैं आलसी। और उसके बाद में है आपके पास में एनेक्सियस, यह है आपके पास में फर्स्ट वर्ड, और एनेक्सियस जो वर्ड है आपके पास में, इसका मतलब आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, उत्सुक, ठीक है ना, आप जैसे किसी चीज को देख से एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, तो ये सैड का मतलब आपको ऑब्वियसली सबको पता होगा, सैड का मतलब दुखी होता है। और बिलेटेड आपके पास में जो वर्ड है, इसका मतलब गाइज आपके पास होता है विलंबित, ठीक है ना, तो आपके पास में बिलेटल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है विलंबित, ठीक है ना। उसके बाद में रेडी, रेडी का मतलब आपको पता ही है, तैयार रहना,
ठीक है। तो यहाँ पे गए जिसका अपोजिट पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कैसे? देखिए, एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो आपके पास में हमेशा आलस की तरह रहता हो, एक होता है जो हमेशा तैयार रहता है, किसी भी काम के लिए तत्पर रहता है, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना टेरिटी का रेडी होता है अपोजिट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चारों वर्ड लिख लेना कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस आपके पास में है। इसमें दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ वर्ड इज गिवन, फाइंड द सुटेबल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना, एक शब्द में आपको आंसर देना है। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमोर, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थ ट्रेमोर, ट्रेमोर का मतलब होता है आपके पास में कंपन, ठीक है ना, जो क्या करता है पृथ्वी के कंपन को मापता है, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला है मोनोग्राफ, तो देखिए यहाँ पे आपका मतलब है मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ में जो आपको है ये है एक, आप कह सकते हैं कि ग्राफ का मतलब तो होता है लेख, और ये मोनो का मतलब विशेष, मतलब कोई एक है, मोनो का एक के लिए यूज होता है, तो विशेष आप इसे बोल सकते हैं विशेष लेख, ओके। उसके बाद देखिए जियोग्राफर, तो आपने बहुत बार ये सुना होगा जियोग्राफी है, तो जियोग्राफर मतलब भूगोल से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, भूगोल वेता इसे बोला जाता है, भूगोल वेता। और उसके बाद में देखिए सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी आपके पास में जो वर्ड है इसका मतलब होता है भूकंप आलेखन, भूकंप आलेखन मतलब आलेखन मतलब मेजर करना, ठीक है ना, तो ये आपके पास में हो गया और इसी का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए जियोमीटर है आपके पास में, जियोमीटर होता है ज्यामिति शास्त्र, ठीक है ना, ज्यामिति है, जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो ये जियोमीटर वही है, ज्यामिति शास्त्री, ठीक है ना, तो ये आपके पास में वर्ड हो गया, इसका मीनिंग आपके पास में लिख लेना है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए गाइस आपके पास में है ईडियम फ्रेज। देखिए एक क्वेश्चन आपको ईडियम फ्रेज से भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लाइक वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है लाइक वाइल्ड लाइफ। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास में, ये मैं बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है, तेजी से, ठीक है ना, तो यहाँ पे लाइक वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फायर है, ठीक है ना, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर मतलब तेजी से आग लगना, इस तरह से आप बोल सकते हैं, तो ये रैपिडली इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इडियम फ्रेज का मतलब होता है लोकोक्ति मुहावरे, तो यहाँ पे इनको आपको याद ही करना है, इनमें जैसा दिया गया है उसका मतलब वही होता है, इसको आपको दिल पे नहीं लेना है, सीधी बात यह है, तो जैसा बोल रहा है बस वैसा ही आपको याद कर लेना है, लिमिटेड है, आपको इसमें याद कर सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए गाइस आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्प्लेट वर्ड, यानी कि सही कौन सा है आपके पास में। सबसे पहला वर्ड देखिए डिब्यूस आपके पास में दिया गया है, उसके बाद में देखिए क्रियस दिया गया है, ब्रियस दिया गया है और ट्रियस दिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इनमें सारे में आपको फर्क करना है, लेकिन लगभग सेम से स्पेलिंग आपको लग रहे हैं, इनमें बताना है गलत कौन सा है। तो गाइस आप आराम से सोच लेना वीडियो पॉज करके, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये इसका गलत लिखा गया है, इसका स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आपको बताना है। देखिए डी ई एफ यू एस ई, डिफ्यूज, ठीक है ना, डिफ्यूज नहीं, आपको डिफ्यूज बोलना है इसको, डिफ्यूज का मतलब तो आपको होता ही पता ही होगा कि बम को डिस्क्रिय करना, ठीक है ना, कोई बम है उसको क्या करना है, निष्क्रिय करना, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास में। उसके बाद देखिए आप अगर जानना चाहें तो क्रियोस, इसका मतलब होता है आपके पास में परिभ्रमण, ओके। उसके बाद में ब्रियोस आपके पास में है, और इसका मतलब होता है पर खरोंच आना, पर खरोंच आना। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे मीनिंग आना, तो इसको आपको याद ही करना, देखिए जैसे कोई भी है स्क्रेचेज आना किसी चीज़ पे, तो उसको बोलते हैं खरोंच, ठीक है ना। उसके बाद में जो लास्ट है ट्रियोस, ठीक है, तो इसका जो मतलब आपके पास में हो जाएगा होता है युद्ध विराम, ठीक है, आपने सुना होगा बहुत लंबा युद्ध चला उसके लिए कुछ दिनों के लिए युद्ध रुक गया, तो युद्ध विराम बोलते हैं, या आप कोई संधि हो जाती है उसकी वजह से युद्ध रुक जाता है तो उसे बोलते हैं, थोड़े दिन के लिए जो संधि हो जाती है तो युद्ध विराम आप इसे बोल सकते हैं। खैर इन वर्ड का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गाइस देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं, फिल द मोस्ट सुटेबल वर्ड इन द फिल इन ब्लैंक, तो ब्लैंक में आपको बताना है सुटेबल वर्ड कौन सा है। देखिए सबसे पहला है आपके पास में कि दिस शर्ट इज ब्लैंक टू वियर, तो ये क्या है, नॉट क्लीन, डर्टियर है, टू डर्टी है, सो डर्टी है, तो यहाँ पे आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। देखिए सारे नेगेटिव सेंस में बता रहे हैं, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा सही इसके लिए होगा, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से सोच सकते हैं, इसको आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू डर्टी। देखिए दिस शर्ट इज टू डर्टी, ये शर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी है टू वियर, पहनने के लिए, तो ये क्या नहीं कर सकते, इसको आप नहीं पहन सकते, ठीक है ना, तो टू डर्टी आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इट इज ब्लैंक हु इज टू बी ब्लेम्ड, यहाँ पे बताना है ही, हिज और हिम या हिमसेल्फ, इनमें से आप किसको ब्लेम करेंगे, इट इज ही या हिज,
कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसके लिए भी आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इट इज ही। यह है कौन है, वह है जिसको हमें क्या करना है, टू बी ब्लेम, इसको ब्लेम होना चाहिए, मतलब ब्लेम करना चाहिए इसको, तो किसको करना चाहिए, ही को। ये सब्जेक्टिव केस है, आपको सब्जेक्ट इसमें यहाँ पे यूज करना है। और देखिए हु है, इससे पहले आपको सब्जेक्ट ही लगाना होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास में है कि दिस मिनिस्टर अश्योर्ड द फ्लड विक्टम्स ब्लैंक ऑल पॉसिबल हेल्प। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। यहाँ पे गाइज ध्यान रखना है, अश्योर्ड के हिसाब से आपको प्रीपोजिशन लगाना है, तो टू होगा, ऑफ होगा, विद होगा, फोर होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑफ, अश्योर्ड ऑफ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दिस मिनिस्टर अश्योर्ड ऑफ, उनको आश्वासन देना चाहिए द फ्लड विक्टम्स ऑफ ऑल पॉसिबल हेल्प, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, आंसर होगा ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप ब्लैंक फ्रॉम बैड कंपनी। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अवे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अवे मतलब दूर रहने के लिए, तो उसके फादर ने क्या किया है, पूछा है कि आप दूर रहिए किससे, बैड कंपनी से, जो लोग क्या करते हैं, जैसे कंपनी का मतलब आप जैसे किस फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उस हिसाब से उसके फादर उससे क्या कर रहे हैं, बैड कंपनी से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। कंपनी बोले तो फ्रेंड्स से, मतलब जो बुरे दोस्त हैं, जो आपको कुछ गलत आदतें सिखाते हैं, उस तरह के लोगों से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखेंगे कि माई फादर ब्लैंक होम लास्ट वीक, तो यहाँ पे मेकिंग आउट, कैम डाउन, लेफ्ट ऑफ या गोज बैक, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। आप देखिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं हो पा रहा है इतना जल्दी जब ऐसे ऐसे मैं करा रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैम डाउन, माई फादर कैम डाउन, मेरे पिताजी जो हैं आ चुके हैं लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, तो यहाँ पे आपके पास में बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि डायरेक्शन दिया गया है 11 to 13, विच पार्ट हैव एरर, कौन से भाग में गलती है ये आपको बताना है। पहला पार्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, ठीक है ना, तो या नो एरर भी हो सकता है आपके पास में, इसमें कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके सोच लेना, मैं बता देता हूँ। देखिए आपके पास में क्या लिखा गया है कि द मोस्ट यूनिक, ठीक है ना, तो द मोस्ट यूनिक, देखिए यूनिक जो है पहले ही आपके पास में सुपरलेटिव है, तो इसके साथ में आपको मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही द लगाने की जरूरत है, सिर्फ आप इसको क्या लिखेंगे, ए यूनिक फ्रूट, ए यूनिक फ्रूट, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए यूनिक का यूज होगा। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे यूनिक के साथ में, यूनिक ऑलरेडी सुपरलेटिव है, आप इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मैंगो ए यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ मच हॉर्स वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस, ठीक है ना, तो यहाँ पे नो एरर भी दिया गया है, ऑप्शन हो सकता है ये पूरा सेंटेंस सही दिया गया हो तो आपको बताना है। सो गाइस इसका आंसर मैं बता दूँ, आप चाहे तो सोच सकते हैं, आपको पता चल ही गया होगा। देखिए हाउ मच आपके पास में बोला गया है, तो ये आपके पास में क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तो क्वांटिटी को मापने के लिए आप हाउ मच का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नंबर को मापना है, घोड़े की जो है संख्या को हम गिन सकते हैं, तो गिनने वाले को जो है काउंटेबल बोलते हैं, तो ये काउंटेबल के हिसाब से हाउ मैनी ही यूज होगा, हाउ मैनी, तो यहाँ पे मच जो है किसके लिए, क्वांटिटेटिव के लिए, जो क्या होता है, मात्रा में होता है, ठीक है ना, उसको मापने के लिए, जैसे 10 लीटर दूध तो हाउ मच मिल्क, ठीक है, तो आप बोलेंगे, तो यहाँ पे हॉर्स को हम हाउ मैनी से डिनोट करेंगे, तो आंसर में आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट वन, तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश कीजिएगा। तीन क्वेश्चन आपको एरर के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन तो आपको मिनिमम पूछे ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका आंसर है ये भी ए ऑप्शन ही होगा, आपके पास में एक वर्ड है सुपीरियर, तो यहाँ पे ध्यान रखना सुपीरियर के साथ हमेशा आपको टू यूज करना होता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे सुपीरियर के साथ टू लगेगा, दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैट दैट वन, ठीक है ना, देन दैट वन, तो ये आंसर इसका होगा सुपीरियर के साथ, देखिए सुपीरियर, इनफीरियर, सीनियर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनके साथ में हम सब हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए डायरेक्शन दिया गया है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन वर्ड विद सुटेबल ऑप्शन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप एरर बेस ही समझ लीजिए। इसमें फायदा ये हो जाता है कि आपको ये पता होता है कि एरर कहाँ पे है, तो इस वर्ड में एरर है या हो सकता है, नो एरर भी हो जाए तो इसमें बताना है। देखिए राजू रिक्वेस्टेड मी टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, तो यहाँ पे क्या रिक्वेस्टेड सही है या इसकी जगह पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इनवाइटेड, इंडिविजुअल, ठीक है ना, उसके बाद नो इम्प्रूवमेंट और इंस्पायर्ड, ठीक है, तो ये आपके पास में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आप आंसर पता चल ही गया होगा कि देखिए किसी भी पार्टी में आप किसी को बुलाते हैं तो उसको इन्वाइट करते हैं, तो इन्वाइटेड आपके पास आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली ही इज नॉट कट अप टू बी ए गुड टीचर. तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा. सो गाइस जिसकी जगह पे आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये जो है कट आउट. तो कट आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बनाना, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली ही इज नॉट कट आउट टू बी ए गुड टीचर, उसको जो है एक अच्छा टीचर बनाने की जरूरत नहीं है आपको. ऑब्वियसली ही इज नॉट, अच्छा टीचर नहीं है. उसके बाद देखिए कट इन है आपके पास में. कट इन का मतलब होता है हिस्सा देना, ठीक है ना. जैसे आप किसी को पार्टीशन कर रहे हैं तो हिस्सा देंगे उसे, तो कट इन, ठीक है. उसके बाद में आपका कट अप है, ठीक है ना. तो कट अप क्या होता है कि काटना, या आप कह सकते हैं कि से दुखी होना. कट अप किसी से, जैसे आप बोलते हैं कि मैं उससे रूखा रूखा रहता हूँ, कट अप हूँ, ठीक है ना. तो किसी से आप दुखी हैं तो आप उसे कट अप हैं, या आप किसी को काट रहे हैं, जैसे कि आप पेड़ को काट रहे हैं तो कट अप, इसके लिए भी कुछ ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना. वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग चीज़ें यूज होती हैं. और एक लास्ट ऑप्शन आपके पास में है कट फोर. तो फोर का मतलब तो आपको पता ही है, के लिए. तो किसी के लिए आप काट कट कर रहे हैं तो कट फोर यूज हो जाएगा. आंसर यहाँ पे कट आउट होगा, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज नंबर. यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें PQRS है. आपको पता ही है कि इसको पैराजम्बल भी बोलते हैं. तो PQRS या पैराजम्बल टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है और ये लास्ट सेंटेंस है. इसके बीच में ये जो सेंटेंस दिए गए, इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना होता है. फर्स्ट आपको क्या करना है कि माई फ्रेंड सजेस्टेड, तो इसको तो स्टार्टिंग में लेना है. उसके बाद में कौन सी लाइन इससे जुड़ेगी ये आपको बताना. देखिए सजेस्टेड है आपके पास में तो वर्ब आ गई, तो यहाँ पे उसके बाद में देखिए आपको कंजंक्शन लगाना है जोड़ने के लिए. तो क्या हो जाएगा, दैट आई मस्ट चाल्क आउट. तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चाल्क आउट आपके पास में वर्ड है, इसका मतलब होता है आपके पास में या तो आप बोल दीजिए रूपरेखा, या जैसे मैंने कल आपको बताया था कि रोड मैप बनाना है तो रूपरेखा या योजना, ठीक है, इसका मतलब होता है. तो यहाँ पे इसका मतलब होता है रूपरेखा या योजना. तो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया दैट आई मस्ट चाल्क आउट, मुझे एक अवश्य ही एक ऐसी योजना बनानी चाहिए. तो उसके बाद में देखिए आपका सबसे पहले एस यूज होगा. तो एस एक तो डी ऑप्शन में है, एक ए ऑप्शन में है, ठीक है. एस के बाद यहाँ पे पी आ रहा है, एस के बाद यहाँ पे आर आ रहा है. तो हम देखते हैं आर को अगर यूज करके देखें तो आउट वेल इन एडवांस, तो ये कुछ सूट नहीं होगा. उसके बाद देखिए माई फ्यूचर प्लान्स, तो यहाँ पे देखिए किसके लिए प्लान योजना बनाई जाएगी, तो फ्यूचर प्लान के लिए. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसके बाद में पी. तो एस होगा आपके पास में, उसके बाद पी होगा. तो वैसे तो देखिए तो आंसर आपको पहले ही मिल गया, ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम आगे भी सोल्व करते हैं. माई फ्यूचर प्लान्स, उसके बाद में जो आपका आर हो जाएगा वेल इन एडवांस, मतलब अच्छे से मैं क्या कर लेता हूँ कि एडवांस में ही सारी प्लानिंग तैयार कर लेता हूँ मेरे फ्यूचर के लिए. उसके बाद में है आपके पास में ये हो जाएगा क्यू, टू सक्सीड. सक्सीड का मतलब आपके पास में होता है कामयाब होना या सफल होना. तो उसको सक्सीड होना है, उसको क्या होना है, कामयाब होना है. तो कामयाब होने के लिए वह एडवांस में ही क्या कर लेता है, सारी प्लानिंग चाक आउट कर लेता है, रूपरेखा योजना बना लेता है. और उसके बाद में लास्ट जो है आपके पास में ये हो जाएगा इन माई लाइफ, अपनी जो है जिंदगी में वो सफल होने के लिए पहले ही क्या कर लेता है, रूपरेखा बना लेता है. इसका किसने सजेस्ट किया, उसके फ्रेंड ने. तो इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. आंसर हो जाएगा एस पी आर क्यू, और ये ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा. ओके गाइस, सो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके पास में है कि चेंज द गिवन वर्ड इनटू पॉजिटिव डिग्री. तो देखिए अभी आपको पूछ सकता है नाउन टू प्रोनाउन पूछ सकता है, नाउन टू एडजेक्टिव पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है. नाउन टू वर्ब पूछा जा सकता है, वर्ब टू एडजेक्टिव पूछ सकता है, डिग्री को भी चेंज करना, एक क्वेश्चन आपको इस तरह का पूछा जाता है. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है वर्ड है हैप्पीएस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री है. इसको आपको बताना है पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करना है. तो पॉजिटिव डिग्री क्या होगा इसका बताना. देखिए फर्स्ट आपके पास हैप्पीयर है, उसके बाद में देखिए वेरी हैप्पी है, मोर हैप्पी है और ओनली हैप्पी है. तो कौन सा वर्ड इसका जो है पॉजिटिव डिग्री होगा. तो देखिए आपने डिग्री पढ़ा होगा तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो होगा हैप्पी, क्योंकि हैप्पी जो होता है ये पॉजिटिव डिग्री होता है. उसके बाद में हैप्पियर ये इसका कंपेरेटिव डिग्री है, और हैप्पीएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है. तो इस तरह से आंसर इसका जो है सी ऑप्शन. ओके गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. देखिए मैं सबसे मेन चीज़ यही रखता हूँ कि जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ. मोस्ट ऑफ जगह पे मैंने जो मॉक टेस्ट भी देखे तो उसमें बस यही इश्यू रहता है कि आपको सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं. ओके, सो देखिए नेक्स्ट है प्लूलर वर्ड, एक प्लूलर से भी पूछा जा सकता है. तो देखिए वैसे तो 20 क्वेश्चन में पैसेज के 3-4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने एडवांस में एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं, पैसेज नहीं करा रहा हूँ. इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर लिया, लेकिन पैसेज आएगा डेफिनेटली, ध्यान रखिएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांडो, इसका आपको बताना है प्लूलर वर्ड. तो देखिए कमांडो का क्या होगा, कमांडोज होगा इस तरह से, या इस तरह से जो भी मीनिंग है आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सारे सेम ही लिखे गए हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए. तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना. 18वीं आंसर हो जाएगा आपके पास में ए ऑप्शन.
और ये आपके पास में देखिए कमांडो है, तो इसका जो है ओ लास्ट में जब होता है वर्ड्स के तो एस लगा देते हैं। देखिए प्लुरल के लिए आपको पूरा रोल पढ़ने पड़ेंगे, वो पूरा ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या लगेगा, तो कमांडो इसका प्लुरल फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है चेंज द वॉइस, और क्वेश्चन है आपके पास में कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, पहले तो ये पता करो, फिर एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ। क्वेश्चन में सिर्फ इतना देगा आपको चेंज द वॉइस, तो आपको ये नहीं बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बनाओ, वो पहले आपको देखना है। देखिए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, अब देखिए वी टू आपके पास में आ रहा है अपॉइंटेड, ठीक है ना, वी थ्री भी आप इसका सेम ही होता है अपॉइंटेड का, तो वी थ्री है ये तो, और उसके बाद में देखिए बाई लगा है, तो हम जैसे क्या करते हैं बाई द प्रेसिडेंट, तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस से तो हम बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये क्या है पैसिव वॉइस है। अब इसको हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे वही सेम चीज़ जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इस केस में, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट आपका सभी में है। उसके बाद में देखिए आपके पास में क्या आएगा वर्ब, सब्जेक्ट आ गया वर्ब, अब वर्ब क्या है अपॉइंट क्या है, तो अपॉइंट्स आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इज हमारा है तो ये सेंटेंस कौन सा रहा होगा, तो ये देखिए प्रेजेंट सिंपल होगा तभी ये क्या करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलता है, तो प्रेजेंट सिंपल इसमें है अपॉइंट्स। अब देखिए उस अब किसको अपॉइंट किया है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और यहाँ पे आप आगे चेक कर सकते हैं अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, तो देखिए वर्ब को चेंज नहीं किया तो ये गलत है, द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ द चीफ तो ये भी गलत है, लास्ट वाला फर्स्ट आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस, यहाँ पे देखिए ईडी लगा हुआ है, मतलब इसको वर्ब को चेंज नहीं किया, इसी में चेंज किया है, तो ये एक्टिव वॉइस बनेगा इसका द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो बाई लगा है तो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि ये पैसिव वॉइस हो सकता है, और यहाँ पे आपने देखा कि इज लगा है मतलब यहाँ पे ये पैसिव वॉइस पक्का है, और इसका ये क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा जिसका जो है अपॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट आपके पास में है, इसमें आपको पता ही है कि क्या करना है, क्वेश्चन आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है, वो तो आपके पास एक्टिव पैसिव था, ये नरेशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन डेफिनेटली आपको नरेशन से पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर फाउंटेन पेन, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ही सेड टू मी, तो सेड टू मी को किस में बदलेंगे, क्या कर रहा है देखिए प्लीज आपके पास वर्ड आया, तो प्लीज के केस में हम क्या करते हैं या तो रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सजेस्ट भी नहीं होगा, सजेस्ट तो कुछ और केस में आएगा, ऑर्डर भी नहीं दे सकते। देखिए आप किसी से कुछ चीज़ मांग रहे हैं तो आप उसे ऑर्डर नहीं देंगे, ये मुझे ये चप दिए, ऐसे नहीं, रिक्वेस्ट प्लीज ब्रदर प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसा कुछ बोलेंगे ना, तो रिक्वेस्ट करेंगे। तो देखिए दो वर्ड में आपके पास में बी और डी में रिक्वेस्टेड है, उसके बाद में मी टू, उसके बाद में लैंड, अब देखिए ये मी आया है आपके पास में, यहाँ पे भी मी है, अब मी क्या है आपके पास में, जैसे आई है उसके बाद मी है, ये क्या होते हैं आपके, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपके पास में ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको हिम यूज करना था मी की जगह पे हिम, तो यहाँ पे हिम यूज हुआ है डी में, तो डी आंसर सही है हिम, उसके बाद देखिए माई, और यहाँ पे हो जाएगा फाउंटेन पेन, ओके गाइस ये आपके पास में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यूअर था, अब यूअर क्या है आपके पास में, ये आप ध्यान रख लेंगे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी के अनुसार क्या हो जाएगा माई, ठीक है यूअर है, तो सेकंड में चेंज किया है, तो देखिए इसका क्या होता है यू यूअर और यू, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सेकेंड बनाना है, जैसे मी का आई का क्या होता है आई माई और मी, तो माई यूज करना है यहाँ पे आपको, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके गाइज ये था कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी डबल ASSR सभी एग्जाम के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे, मुझे बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा, और जरूर ध्यान रखिएगा इसको आपको 1K लाइक यानी कि 1000 लाइक तक पहुँचाना है। देखिए लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग हमें पसंद करते हैं तो हम उनके लिए कुछ आगे भी करें। ओके गाइस सो वीडियो को जरूर से लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, इसे शेयर भी कर देना, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, अपने स्कोर तो आपको डेफिनेटली बताना है कि कैसा है, और मुझे बताना है कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में कि मैं आगे और कुछ आपके लिए ऐसा करूँ। ठीक है गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।